राधे राधे, कैसे हो। ये हमारा एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका ये होता क्या है, जो मैंने अभी कहा है आपसे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जानते हैं इसके बारे में। पहले तो इसे कुछ मान लेते हैं, लेट कर लो, इसे कुछ भी लेट कर लेते हैं वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, पहली बात इसे डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा बताओ। वाई का डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड भी करो, एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, टू एक्स मिल जाएगा, थ्री एक्स का हमें प्लस का थ्री, टू कॉन्स्टेंट है तो जीरो आएगा डिफरेंशिएट करने पे, ये वैल्यू मिल गई हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हमारे पास y था उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं उसे बोलूँगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वापस से करते हैं इसे, तो जब भी आप डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ऐसे लिखना होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल सी बात, तरीका है लिखने का बस। इसे जैसे हम एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये लिखते हैं, वैसे ही हम दो बार डिफरेंशिएट करने पे ये लिखते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू में इसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 2x का 2 मिल जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट है तो प्लस का 0, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो हमें आंसर क्या मिला, आंसर हमें ये मिल गया। इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखते ऐसे हैं बस। ठीक है, और एक तरीका और है इसे लिखने का, देखो y को क्या लिखेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करने पे y डैश लिखते हैं, है ना, और दो बार करने पे लिखेंगे हम y डबल डैश। तो इसे आप y डबल डैश भी लिख सकते हो और इसे y डैश भी लिख सकते हो, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, डन। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है x की पावर 20 का। तो इसे ऐड कर लो y, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की पावर 20 है तो 20 आगे लिख दो, और 20 माइनस 1 मतलब 19, एक्स की पावर 19 आ गया। ठीक है, अभी हमने बस एक बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसलिए हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखोगे आप, एक बार और डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये तरीका होता है लिखने का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। इसके बाद इसे भी डिफरेंशिएट करो, 20 का 20 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, उसके बाद एक्स की पावर 19 है ना, पावर आगे लिख दो 19, एक्स की पावर 19 माइनस 1, पावर में माइनस 1 करना होता है हमें, तो 18 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इसे चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 19 टू 38 और एक ज़ीरो भी है तो 0, एक्स की पावर 18, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है वापस से। तो इसे कुछ मान लो, वाई लेट कर लेते हैं, लेट वाई। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वाई को डिफरेंशिएट करने पे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा इक्वल टू में। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो एक को u मानते हुए और एक को v मानते हुए u डैश v प्लस v डैश u लगा दो, है कि नहीं। तो u डैश x को डिफरेंशिएट तो 1 आएगा, तो 1 इंटू में v मतलब cos x प्लस v डैश cos x को डिफरेंशिएट तो हमें माइनस का sin x मिलेगा, इंटू में u जो कि हमारा x है तो इंटू x आ गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं हम, तो cos x प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस x इंटू में sin x, ये आ गया हमारे पास dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, dy वाई अपॉन डी एक्स को हमें लिखना होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तरीका होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का, या ऐसे बोल लो इसको हमने वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इधर भी करना होगा, cos x को डिफरेंशिएट करने पे हमें माइनस का sin x मिलेगा, फिर माइनस का माइनस, इसे करो डिफरेंशिएट x इंटू sin x, तो यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो u डैश v
प्लस वी डैश यू लगा दो फॉर्मूला यू इंटू वी वाला, एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा, 1 इंटू में साइन एक्स मतलब साइन एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स करो डिफ्रेंशिएट तो कॉस एक्स मिलेगा इंटू में एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस साइन एक्स माइनस इंटू साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स माइनस इंटू ये तो माइनस का एक्स कॉस एक्स, तो ये आ गया हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉग एक्स का। तो इसे कुछ मान लो वाई ऐड कर लेते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, वाई करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू में लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। इसको हमें वापस से डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को वापस से डिफ्रेंशिएट करने पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिलता है। ये तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का। 1 अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मिलता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब किसी को डाउट हो कि भैया ये कैसे आ गया, तो मैं बता दूँ, सिंपल सी बात है, हमने किया क्या है कि 1 अपॉन एक्स हमारा क्या है, एक्स की पावर माइनस 1, पावर को आगे लिख दो और पावर में माइनस 1 कर दो तो माइनस 1 और फिर माइनस 1 मतलब माइनस 2 होगा। तो ये हमारा यही तो है, माइनस 1 अपॉन में पावर नेगेटिव है, नीचे ले आओ पॉजिटिव करने के लिए, तो माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत बार कर चुके हैं तो ये हमें याद ही हो जाता है कि इसका ये आएगा हमेशा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है, ऐसे ही करना था और इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इस बार डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो इसे कुछ लेट कर लो, वाई लेट कर लेते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा इक्वल टू में, इसको यू मान लो इसको वी मान लो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू होता है, जब भी हमें यू इंटू वी को करना होता है डिफ्रेंशिएट, तो यू डैश मतलब हमें एक्स क्यूब को करना होगा, एक्स क्यूब को करने पे हमें थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू में वी मतलब लॉग एक्स, प्लस वी डैश लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 अपॉन में एक्स मिलता है इंटू में यू जो कि हमारा एक्स क्यूब है। तो एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की, 3x स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने y को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर इसको हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे बोलते हैं हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy वाई अपॉन डी एक्स को वापस से डिफ्रेंशिएट करने पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलता है। ये तरीका है लिखने का बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, सिंपल सी बात, ऐसे लिखते हैं बस। अगर इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या लिखेंगे हम, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। ये क्या है हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तरीका होता है लिखने का बस इससे। इसे करो डिफ्रेंशिएट तो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी वापस से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इसको यू मान लो, इस पूरे को वी मान लो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, थ्री मल्टीप्लाई में है ही तो थ्री मल्टीप्लाई में रहने दो, यू डैश मतलब एक्स स्क्वायर करो डिफ्रेंशिएट तो 2x मिल जाएगा इंटू में लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स करो तो 1 अपॉन में x मिलेगा इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस एक्स स्क्वायर करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 2x मिलेगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 6x इंटू में लॉग एक्स, प्लस यहाँ पे x है इंटू 3 मतलब 3x, और प्लस यहाँ पे 2x है तो प्लस 2x, तो हमारे पास आंसर आ गया 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 2 5 होता है तो प्लस 5x। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो इसे कुछ लेट कर लो, y लेट कर लेते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हमें, y को करने पे हमें dy वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे दो दो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल्स, एक को u मान लो एक को v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u, तो e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें e की पावर x ही मिलेगा इंटू में साइन 5x u डैश v
कर दिया है हमने, अब v डैश u करो, तो साइन 5x करो डिफ्रेंशिएट, साइन को करने पे हमें कॉस मिलता है, तो कॉस 5x मिलेगा। उसके बाद 5x करो डिफ्रेंशिएट, तो इनटू में 5x का 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर u डैश v प्लस v डैश हो चुका है, इनटू u करना है जो कि हमारा e की पावर x है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया dy / dx की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, इसे करो डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे वापस से यू इंटू वी यूज़ हो रहा है ना, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स यू डैश इंटू वी जो कि हमारा साइन 5x है, प्लस वी डैश इसे करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें मिल जाएगा साइन का क्या मिलता है, कॉस मिलता है, तो कॉस 5x मिलेगा। फिर 5x करो तो इनटू में 5 इनटू में u जो कि हमारा e की पावर x है, ठीक है। v डैश ये पूरा है, इनटू में u ये रहा। फिर प्लस है तो प्लस लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, u डैश v प्लस v डैश u, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इसे u मान लो, इसे v मान लो, इनटू 5 है तो 5 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, u डैश कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस का साइन 5x मिल गया। फिर 5x को डिफ्रेंशिएट, तो हमें इनटू में 5 मिल जाएगा, u डैश हो चुका है, इनटू v करना है जो कि हमारा e की पावर x है, प्लस v डैश u मतलब e की पावर x इनटू में कॉस 5x, ठीक। इतना ही करना था बस, इसको देखने में थोड़ा सा अच्छा बना लो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, e की पावर x इनटू में साइन 5x प्लस 5 e की पावर x इनटू में कॉस 5x, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 5 इनटू में ये क्या है हमारे पास, साइन 5x और इनटू में 5 यहाँ पे एक और था, तो और e की पावर x भी है, तो e की पावर x 5 इनटू 5 25 होता है, तो 25 आ गया, ठीक है। फिर 5 इनटू में ये क्या है हमारे पास, 5 इंटू ई की पावर x इंटू में कॉस 5x, ठीक। तो ये आ चुका है हमारे पास आंसर, लेकिन आप चाहो तो इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कर लो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन 5x इंटू ई की पावर x, और यहाँ पे क्या है 25 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ई की पावर x और साइन 5x है, ठीक है। तो ये करने पे क्या मिलेगा हमें, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 24, क्योंकि एक कम हो गया यहाँ पे, है ना, तो माइनस 24 साइन 5x इंटू में ए की पावर x। अब इनकी बात करते हैं, तो 5 e की पावर x cos 5x और 5 e की पावर x cos 5x, तो 5 प्लस 5 10 होता है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस 10 e की पावर x इंटू में cos 5x, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, जो कि हमारे पास ये गिवन है, इसे लेट कर लो कुछ y कर लेते हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, वो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में, इसे u लेट कर लो, इसे v कर लो, u डैश v प्लस v डैश u, तो e की पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें e की पावर 6x ही मिलेगा। फिर 6x को डिफ्रेंशिएट, तो इनटू में 6 u डैश हो चुका है, इनटू v करना है, v क्या है हमारा cos 3x, प्लस v डैश u मतलब cos 3x को करो डिफ्रेंशिएट, तो cos को करने पे हमें साइन मिलता है माइनस का, तो माइनस साइन 3x। फिर 3x को करो डिफ्रेंशिएट, तो इनटू में 3 आएगा हमारे पास, इनटू u मतलब e की पावर 6x आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy / dx की वैल्यू आ गई। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 6 है यहाँ पे, 6 इंटू में e की पावर 6x इंटू में cos 3x, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3 इंटू में e की पावर 6x इंटू में sin 3x। इसे हमें वापस से डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए, तो वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये तरीका है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का, इक्वल टू में 6 का 6
वापस से यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई कर दो, e की पावर 6x इंटू में cos 3x को डिफरेंशिएट, तो इसे हम कर चुके हैं पहले, तो करने पे क्या मिला था हमें, यही मिला करने पे, तो इसे वापस से करने पे हम यही मिलेगा, है ना। लेकिन इंटू में 6 है तो 6 लिख दिया हमने, और इसे ही किया था हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो हमें ये पूरा मिला था, तो वापस से हमें इसे ही करना है क्योंकि सेम है, तो वापस से ये पूरा लिख दो, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कर चुके हैं हम तो वापस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो पूरा डिफरेंशिएट हो चुका है। अब बात करते हैं इसे, माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, 3 का 3, यू डैश वी प्लस वी डैश यू लगा दो यहाँ पे, तो यू डैश ई की पावर 6x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, e की पावर 6x ही मिलेगा। फिर 6x करो तो इंटू में 6 मिल जाएगा, u डैश हो गया इंटू वी, वी क्या है हमारा साइन 3x, तो लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर प्लस वी डैश यू साइन 3x को डिफरेंशिएट, तो हमें cos 3x मिलेगा, साइन यू करने पे cos मिलता है, cos 3x, 3x को डिफरेंशिएट तो इंटू में 3 मिलेगा इंटू यू, है ना, वी डैश इंटू यू, यू क्या है हमारा e की पावर 6x, इंटू में e की पावर 6x, ओके। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, बस इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा बना लो, आंसर तो यही है हमारा, आंसर आ चुका है 6 × 6 मतलब 36, e की पावर 6x इंटू में cos 3x, 6 × 3 18, तो माइनस 18 e की पावर 6x इंटू में sin 3x, माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, 3 × 6 18 होगा, तो 18 e की पावर 6x इंटू में साइन 3x, और 3 × में यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई में है, 3 × 3 9 होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 e की पावर 6x इंटू में cos 3x, डन। तो हमारा आंसर तो आ चुका है कि नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस 36 e की पावर 6x इंटू cos 3x, और यहाँ पे क्या है माइनस 9 e की पावर 6x इंटू cos 3x, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे माइनस 9 है, तो 36 माइनस 9 कितना होगा हमारा, कितना होगा 36 माइनस 9, तो ये होगा 27, 27 e की पावर 6x इंटू में cos 3x, यहाँ पे माइनस 18 e की पावर 6x है, यहाँ पे माइनस 18 e की पावर 6x है, साइन 3x साइन 3x, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस 18 माइनस 18 माइनस 36, तो माइनस 36 e की पावर 6x इंटू में साइन 3x, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया है, बस ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान सा है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है टेन इनवर्स एक्स का, इसे कुछ मान लो वाई ऐड कर लेते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पे हमें 1/1 + x² मिलता है, ठीक है। तो इसे वापस से हमें डिफरेंशिएट करना होगा ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन हमें क्या मिलेगा, d²y/dx² इक्वल टू में इसे करो डिफरेंशिएट, ये हमारा है क्या d/dx 1 + x² - 1 है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पावर आगे लिख दो -1, फिर पावर में क्या करना होता है हमें -1 करना होता है, तो -1 और एक और -1 मतलब -2 आ गया, इनटू में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे डिफरेंशिएट कर दो, 1 का तो 0 आएगा, x² को डिफरेंशिएट करने पे हमें 2x मिल जाएगा, तो इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + x² / 2, ये हमारा आंसर आ गया, ओके बस इतना ही करना था हमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है log log x का, तो इसे y ऐड कर लो, कुछ भी कर सकते हो वैसे तो आप, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो dy/dx हमें क्या मिलेगा, log x को डिफरेंशिएट करने पे 1/x मिलता है, तो यहाँ पे क्या है log log x है, तो हमें 1/ log x मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log x है x की जगह पे। उसके बाद log x को डिफरेंशिएट तो हमें 1/x मिलेगा, ठीक। तो हमने dy/dx तो निकाल लिया, लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसे वापस से
एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगेन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये तरीका होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का, इक्वल टू में इसे करो डिफ्रेंशिएट, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स इंटू में लॉग एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है। एक ही बात है, यहाँ पे मैंने लॉग एक्स लिखा है, पावर को आगे लिखो फिर पावर में माइनस वन करना होता है, तो एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन कर दो, माइनस वन पहले से है तो माइनस टू हो गया। उसके बाद इंटू में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसे करो डिफ्रेंशिएट, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, एक्स इंटू में लॉग एक्स, दो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना होगा, यू इंटू वी रूल लगा दो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे वन आएगा तो वन इंटू में लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स आ गया, प्लस लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट तो हमें वन अपॉन में एक्स मिलेगा, इंटू में यू, यू क्या हमारा एक्स है तो इंटू में एक्स लिख दिया हमने। अब हमारा आंसर आ चुका है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन इंटू में एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस टू, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, माइनस इंटू में ये मतलब वन प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे पावर में माइनस टू है तो उसको डिवाइड में लिख दो, एक्स लॉग एक्स की पावर टू, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, इसे लेट कर लो, कुछ वाई लेट कर लेते हैं। तो हमें ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस लॉग एक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लॉग एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो वन अपॉन एक्स मिलता है लॉग एक्स को करने पे, तो ये मिल गया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, वापस से इसे डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसलिए, तो वापस से बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास क्या है, कॉस लॉग एक्स और डिवाइड में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यू अपॉन वी रूल यूज़ करना होगा, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन में वी स्क्वायर, तो यूज़ कर लो इसे, यू डैश यू हमारा ऊपर वाला है, कॉस लॉग एक्स करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स करो तो इंटू में वन अपॉन में एक्स मिल जाएगा, यू डैश हो चुका है, इंटू वी करना है, वी हमारा एक्स है, ऊपर वाला हमारा यू है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, वी है, तो इंटू वी करना है तो इंटू एक्स कर दिया हमने, माइनस है तो माइनस वी डैश, वी डैश तो वी क्या हमारा एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वन आएगा, इंटू में यू, यू हमारा जो ऊपर एक साइड है वो हमारा यू है, तो वन इंटू में कॉस लॉग एक्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, वी स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इसको थोड़ा देखने में अच्छा बना लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वाई इज इक्वल टू 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई हमारा 0 के इक्वल होगा, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये डबल डेरिवेटिव है वाई का, या बोल लो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बात है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू 5 का 5, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का साइन एक्स मिलता है, ठीक है, माइनस का माइनस, 3 का 3, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कॉस एक्स मिलता है। तो ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें इसकी निकालनी है ना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो,
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 5 का 5 माइनस का माइनस, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कॉस एक्स मिलता है, ठीक है, माइनस का माइनस, 3 का 3 कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का साइन एक्स मिलता है, ठीक है। तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 5 कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस का 3 साइन एक्स, ओके। तो हमें क्या करना था, फाइंड, हमें फाइंड नहीं करना है, प्रूफ करना है इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो एक काम करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। इसकी वैल्यू निकाल चुके हम, ये है इसकी वैल्यू, है ना, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है वाई की, वाई हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, तो प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 5 कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू में मतलब ज़ीरो आ गया, है कि नहीं। हैंस प्रूफ, इतना ही करना था बस हमें, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लो, प्लस वाई है हमारे पास, इसको ऐड कर दो और देख लो इक्वल टू ज़ीरो आता है कि नहीं आता, हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, या बोल लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, लेकिन जो आंसर आएगा वो वाई ही के टर्म में आना चाहिए, मतलब जो आंसर आएगा उसमें एक्स ना होके कहीं पे भी बस वाई होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई। तो करते हैं सॉल्व इसे, तो पहले तो एक काम करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो पता है हमें, लेकिन हमें क्या दे रखा है, जो आंसर आएगा वो बस y में आना चाहिए, यहाँ पे x है, इसको हटा के y ला देते हैं, यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x क्या आएगा हमारा, x हमारा आएगा कॉस को उस साइड ले जाओ, मतलब x इज इक्वल टू कॉस y आएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू है हमारे पास कॉस y, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, जो कि हमारा इक्वल होगा, सबको ये बात पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि भैया कॉस को उस साइड ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब साइन स्क्वायर वाई के, यहाँ पे वाई है, ये हमारा इक्वल होगा किसके, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर जो चाहिए वो वाई के टर्म में चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, नीचे क्या आ गया, साइन वाई अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार और हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, माइनस का माइनस, एक काम करते हैं साइन को ऊपर ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक वाई, तो ये क्या है हमारा, माइनस कोसेक वाई। अब ये डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसान होगा, तो इसे करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें पता है ना कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स मिलता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोसेक वाई है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस रहने दो यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, कोसेक माइनस का कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई, फिर वाई को करो तो हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया ये, और क्या आ गया हमारे पास, कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमारा माइनस कोसेक वाई के इक्वल है कि नहीं। तो इनटू में कर दो माइनस कोसेक वाई, तो माइनस कोसेक इनटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर हो गया, तो माइनस का कोसेक, ये वाला माइनस साइन है,
कोसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस आंसर में आप देख पा रहे होगे कहीं पे भी x नहीं है, जो भी है y के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी आसान सा है ये। इसे करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये तो मुझे पता है कि सिंगल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं dy वाई अपॉन डी एक्स, है ना। जब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं y को हम, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y के ऊपर डैश, इसका मतलब यही है। और एक तरीका और लिखने का, y के नीचे 1। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या y के नीचे 1? ये रहा, इसका मतलब क्या है, dy वाई अपॉन में dx। सेम टू सेम डबल डेरिवेटिव को, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y के ऊपर डबल डैश, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y के नीचे 2। ये कहीं दिख रहा है इसमें, ये रहा, मतलब इस y2 का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y। और इस y का मतलब क्या है, y1 का, इस y1 का मतलब है dy वाई अपॉन डी एक्स। तो इनकी वैल्यूज निकालो और इसमें पुट कर दो, और इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लो, यही करना है हमें, यही शो करना है। तो हमें y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x गिवन है। हमें निकालना क्या है, dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना है पहले। तो dy वाई अपॉन डी एक्स निकालो, क्या वैल्यू आएगी, 3 का 3, cos को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन log x मिल जाएगा। फिर आप log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में x मिल जाएगा, इनटू में हो गया, प्लस का प्लस 4 का 4, साइन को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें cos मिलता है, तो cos log x मिल गया। फिर इसके बाद log x को करो डिफ्रेंशिएट तो 1 अपॉन में x मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमें। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लो, माइनस है यहाँ पे, बाहर निकाल लो, माइनस 3 साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अब जल्दी से वाई टू निकालने के लिए, वाई टू मतलब क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, करो डिफ्रेंशिएट, तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, है कि नहीं। तो यू डैश वी प्लस वी डैश यू, यही फॉर्मूला होता है यू इंटू वी का। तो हमें क्या मिलेगा, इसको करो डिफ्रेंशिएट, मतलब कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स करो तो 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा, यू डैश हो गया, इंटू वी करना है, इंटू 1 अपॉन एक्स करना होगा, फिर प्लस वी डैश यू, तो वी डैश यू मतलब इसको करो डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स को, तो हमें माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, इंटू में यू, यू क्या हमारा साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद इसे भी डिफ्रेंशिएट करो, तो प्लस का है ये, तो प्लस लिख दिया मैंने, 4 का 4 यू डैश, मतलब इसे करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन लॉग एक्स, यू डैश हो गया, नहीं हुआ क्योंकि अभी लॉग एक्स को नहीं किया है हमने, तो 1 अपन एक्स आएगा, इनटू में वी, मतलब 1 अपन एक्स है वी हमारा, प्लस वी डैश 1 अपन एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस का 1 अपन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, इनटू में यू, यू हमारा क्या है कॉस लॉग एक्स। ठीक है, ये आ गई वैल्यूज हमारे पास, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे। तो माइनस 3 और इनटू में क्या क्या है हमारे पास, कॉस लॉग एक्स इनटू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इनटू में साइन लॉग एक्स। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दिया हमने, और क्या यहाँ पे माइनस का साइन लॉग एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस लॉग एक्स, ठीक है, डन। तो ये आ गई हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, ये इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये रही इसकी वैल्यू जो निकाल रखी है हमने पहले, ये रही। और प्लस वाई करना है इक्वल टू में ज़ीरो। तो आपको करना क्या होगा, इस पूरे को इंटू में एक्स स्क्वायर करना है। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, तो कॉमन निकाल सकते हो आप, सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये थ्री से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर से इसको करना पड़ेगा। तो आसान सा काम है, कर लो आप। इंटू में वाई प्लस में एक्स इंटू में वाई वन है, वाई वन की वैल्यू ये रहा। इंटू एक्स करोगे तो ये कट जाएगा एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में एक्स है, मल्टीप्लाई में एक्स कर रहे हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास बस, ठीक है ना, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास। प्लस वाई करना है, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई हमारे पास ये है। तो ये छोटा सा काम है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो ये आप प्लस माइनस कर लेना और पक्का ही आंसर आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो ठीक, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है वाई टू की, वाई वन की निकाल दी है। बस इसमें आपको पुट करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरा आंसर आया या नहीं आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है कि वाई इज इक्वल टू ये, और सो करना है हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन है इसमें, तो ये निकाल लेते हैं। फिर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे वाई का, फिर इसमें पुट करके इक्वल टू जीरो पुट सो कर देंगे। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, करो इसे डिफ्रेंशिएट और बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ए कॉन्स्टेंट है, ए का ए, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें ई की पावर एक्स ही मिलती है, तो हमें ई की पावर एम एक्स ही मिल जाएगी। फिर जो पावर है उसे करेंगे डिफ्रेंशिएट हम, एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें एम मिलेगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दो, बी का बी, ई की पावर एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें यही मिलेगा। फिर पावर करो तो हमें इनटू में एन मिल जाएगा। इसे आप चाहो तो थोड़ा सा ए इनटू में एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी इनटू में एन ई की पावर एन एक्स ऐसे ले सकते हो, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहने दो इसको। ई की पावर एम एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एम एक्स ही मिल जाएगा। फिर पावर को करो, पावर में एम इंटू एक्स है तो इसे करने पर हमें एम मिलेगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, बी इंटू एन तो कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ई की पावर एन एक्स ही मिलेगा। फिर पावर को करेंगे हम तो हमें इंटू में एन मिल जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख लो, एम इंटू एम एम स्क्वायर, मतलब ए इंटू में एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू में एन इंटू एन क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और इंटू में क्या है, ई की पावर एन एक्स है। इनकी वैल्यूज आ चुकी हैं, इसमें पुट कर लो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पुट करें, हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू में ज़ीरो प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी इसकी। ये क्या है हमारा, ये हमारा ये है, तो लिख दो यहाँ पे ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, एम इंटू एन तो सॉरी एम प्लस एन, एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रही वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की, क्या है हमारे पास वैल्यू, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, प्लस करना है हमें m इंटू एन इंटू वाई। वाई क्या है हमारा, वाई हमारा ये है, तो m इंटू एन इंटू में y, ये पूरा लिख दो यहाँ पे, a e की पावर एम एक्स प्लस बी e की पावर एन एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब बस सॉल्व कर लो इसे, मल्टीप्लाई जो हो रहा है कर दो। a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स है यहाँ पे,
प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, माइनस है तो माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू ये, फिर m इंटू ये, n इंटू ये, फिर n इंटू ये, फिर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक काम करते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर m इंटू m, m स्क्वायर मतलब हमें a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स मिल जाएगा जब आप m को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर m को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर n को मल्टीप्लाई करो इससे तो माइनस ए एम एन e की पावर एम एक्स मिल जाएगा, फिर n को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स मिल जाएगा। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस का प्लस m इंटू एन इंटू ये तो हमें a m n इंटू e की पावर एम एक्स मिल जाएगा, फिर m n इंटू में ये करना है तो प्लस b m n इंटू में e की पावर एन एक्स। अब आप देख पा रहे होगे कुछ ऐसा नहीं है जो बचेगा यहाँ भी कैंसिल होने से, यहाँ पे क्या है ए एम स्क्वायर, और कहाँ पे मिलेगा ए एम स्क्वायर, देखो ये रहा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बी एन स्क्वायर, तो बी एन स्क्वायर यहाँ पे देखो सेम है ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, तो ये भी सेम सेम है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, सेम सेम ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, ये भी कैंसिल हो गया। इसे देखो आप ये भी सेम है, a का a m n e की पावर m x, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया इक्वल टू में ज़ीरो, हमें यही शो करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है ऐसे करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और हमें शो करना है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल आएगा 49 इंटू में y, ठीक है। तो करते हैं, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसके लिए हमें dy वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, पहले तो करो इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा 500 तो कॉन्स्टेंट है वैसे रहने दो, e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो इंटू में e की पावर 7x, फिर 7x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा 7 इंटू में 7, प्लस का प्लस 600 का 600, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें इंटू में माइनस का 7 मिल जाएगा, ठीक है। हमने एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर दिया लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए था, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 500 कांस्टेंट है 7 भी कांस्टेंट है, इन्हें तो वैसे लिख दो 500 इनटू में 7, ए की पावर 7x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें ए की पावर 7x ही मिल जाएगा, फिर 7x को करो तो इनटू में 7 मिलेगा, प्लस का प्लस 600 का 600 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 7 भी हमारा कांस्टेंट है तो माइनस 7 इनटू में है, और e की पावर माइनस 7x को करो डिफ्रेंशिएट तो e की पावर माइनस 7x ही मिलेगा, फिर माइनस 7x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें माइनस का 7 मिलेगा, तो इनटू में माइनस 7, ये आ गई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, हमें क्या चाहिए 49y चाहिए ना, इक्वल टू में देखो यहाँ पे 7 इंटू 7 49, माइनस 7 इंटू माइनस 7 49, मानते हो बात ये है ना, तो 49 कॉमन है दोनों में, तो 49 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बच गया 500 इंटू में e की पावर 7x प्लस यहाँ पे क्या बचा 600 बच गया और e की पावर माइनस 7x बच गया, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है कि भैया माइनस और माइनस कहाँ गया, ये दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखो हमें क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 49, ये क्या है हमारा y ही तो है कि नहीं, 500 500 e की पावर 7x e की पावर 7x प्लस प्लस 600 600 e की पावर माइनस 7x e की पावर माइनस 7x, ये क्या है हमारा y है, तो 49 इंटू में y, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ है कि नहीं, इतना ही करना था बस हमें, सिंपल था। ओके
क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है कि इफ़ ये इक्वल टू में 1 और हमें शो करना है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर के। तो पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। वैसे आप निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इससे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, डायरेक्ट करोगे तो। इससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई मतलब मेरा ये है कि y को अलग कर दो और बाकी सबको अलग कर दो ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने में आसानी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, e की पावर y इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में ले आओ 1 अपॉन में x प्लस 1। इसके बाद अगर आप e को इस साइड ले जाओगे तो log हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू log 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे y आ चुका है तो हमें dy वाई अपॉन डी एक्स निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में सबको पता है log x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 अपॉन x मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में x प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 अपॉन में x प्लस 1 है, तो हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद जो ब्रैकेट में है उसे डिफ्रेंशिएट करो, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को डाउट हो कि भैया ये कैसे आ गया, तो डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है अच्छे से। x प्लस 1 की पावर क्या होगा, माइनस 1 होगा, पावर आगे लिखो और पावर में माइनस 1 कर दो, तो माइनस 1 इंटू में माइनस 1 की पावर माइनस 2, तो ये हमारा क्या है माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का, यहाँ प्लस था ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आया था। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारे पास 1 अपॉन में x प्लस 1, ऊपर ले जाओ तो x प्लस 1 इंटू में यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। सेम टू सेम ऐसे ही क्या निकाल लो आप, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, करो उसको डिफ्रेंशिएट, तो माइनस का माइनस 1 अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, अभी निकाला था हमने, ये निकला था है ना, तो ये क्या है हमारे पास माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू जो है ये हमें इसके इक्वल प्रूव करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर के, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये है, इसके होल स्क्वायर के इक्वल ये प्रूव करना है हमें। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इससे पहले, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो क्या ये वैल्यू इसका स्क्वायर नहीं है, बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, यही तो होगा, मानते हो कि नहीं मानते। अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो माइनस है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर तो है, बात मानते हो, नहीं मानोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा। ये क्या है हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स है, माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 है ना, ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है मैंने। अगर इसका स्क्वायर करते हो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव साइन मिलता है, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है, ये एक ही बात है कि नहीं। तो ये हमारे पास आ चुका है, तो ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूफ, इतना ही करना था और ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें शो करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे y2 लिखा है, y1 लिखा है, मैं ये पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये y2 और y1 है क्या। देखो आप, हम dy वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे भी लिखते हैं कई बार, y के ऊपर एक डैश y डैश, और इसे ऐसे भी लिखते हैं y1। सेम टू सेम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y को हम ऐसे भी लिखते हैं, y के ऊपर डबल डैश या y नीचे एक 2। ये y2 क्या है, ये है, ठीक है, और ये y1 क्या है, ये है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें ये निकालनी पड़ेगी, तो निकालो आप dy अपॉन dx निकालो,
तो क्या वैल्यू आएगी हमें करने पे, पावर लिखो पहले 2 का 2, फिर पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, फिर ब्रैकेट में जो है उसे डिफ्रेंशिएट करो, टेन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें वाई टू भी निकालना है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसे इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो इसे करने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट सॉल्व करो यहाँ से, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो एक लंबा आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे u इन टू v लगने वाला है, तो एक आंसर आएगा। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स को इसमें पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो निकलेगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको यहाँ पुट करो और सब कैंसिल करके 2 निकाल लो, सिंपल सी बात, कर सकते हो। वैसे एक तरीका जो है ये है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इससे हम ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, तो फॉर्मूला सबको पता है ना, u इंटू वी का u डैश v प्लस v डैश u, अप्लाई कर दो इसे, तो u डैश इसे डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर को हमें 2x मिल जाएगा, u डैश इंटू v मतलब dy वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसे करो डिफ्रेंशिएट dy वाई अपॉन डी एक्स को, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, इंटू में वी यू जो कि हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू में 2 का 2, टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, ठीक है, ये मिल चुका है हमें। लेकिन अभी हम आंसर से काफ़ी दूर हैं, आंसर में क्या है, यहाँ पे वाई टू है, ये हमारा वाई टू ही तो है, और इंटू में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इस साइड देखो आप 2 तो है लेकिन ये मल्टीप्लाई में जो कि यहाँ पे नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब सेम हो जाएगा देखना। तो मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर पूरे में, तो 2x है, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिखने वाला हूँ वाई वन, एक ही बात है ना, बता चुका हूँ कई बार अभी, ये हमारा क्या है वाई टू है, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में ये भी आ जाएगा वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर 2 लिख दूँ मैं, एक ही बात है, इक्वल टू में 2, अब मैच कर लो, सेम है कि नहीं, 2x एरा इंटू में यहाँ पे सेम सेम लिखा हुआ है, फिर इंटू में वाई वन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही बात है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, इंटू में वाई टू, इंटू में वाई टू, इक्वल टू में 2, इक्वल टू में 2, मतलब हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, हमने शो कर दिया, हैंस प्रूव, इतना ही करना था और ऐसे ही करना है, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करना क्या है कि लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो कभी कभी, राधे राधे।